बोलना बंद करो, ये प्रार्थना का समय है। बस अभी तुमसे कह रही हूँ ना, उठो चलो घर अपने। फ्रांसिस आओ, सेब हाथ पाँव धोकर जल्दी आ जाओ, प्रार्थना के लिए बैठो। पवित्र आत्मा कौन है, इसका क्या मतलब है माँ? हाँ मेरी बेटी, मैं समझाती हूँ। पिता वह है जो पूरी दुनिया का निर्माता, हमारा परम पिता। पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह है, जो मनुष्य के रूप में ईश्वर का अवतार है और हमारी रक्षा के लिए ही धरती पर आए थे। पवित्र आत्मा हमें नैतिक और आध्यात्मिक ताकत देते हैं। तुम ये सब जान के क्या करोगी? ऐसे मत बोलो फ्रांसिस। मम्मी, प्रभु यीशु मसीह का कष्ट बहुत ज्यादा था ना? हाँ बेटा, वो कितना जख्मी शरीर था उनका, देखो वो सूली पर, उनके पूरे शरीर पर गहरे घाव थे जिनसे खून बह रहा था। ओ मेरे यीशु, मेरे प्रभु, मेरे जीवन, मैं तुम्हें लीन होना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे इन अनुभवों को, तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ बेटी, बहुत खुश हूँ। दुनिया में है नहीं ठंडा, थोड़ा सा अंदर गया तो दुनिया पिंपों पिंपों। अच्छा भाई चलते हैं अब। ये पत्थर तू सुबह तो छोटा था, अभी बड़ा हो गया। पत्थर भी चोरी चोरी पत्थर। हे मेरे ईश्वर, वो ऐसा क्यों? कृपया उसे बचाओ। बेटी अपने पिता के लिए प्रार्थना करो। तुम दोनों इधर क्यों? मैं पूछता हूँ इधर क्यों? तुम्हें तो घर के अंदर होना चाहिए था। सारी परंपरा भूलते जा रहे हो दोनों। चलो किचन में। बच्चों बच्चों तुम अंदर जाओ। आप चिल्लाते क्यों हैं? तुम कौन हो मुझसे पूछने वाली? कौन हो तुम? मैं आपको दोषी नहीं ठहराती। तुम चुप रहो। तुम कौन हो मुझसे जवान लड़ाने वाली? देखो आप इस वक्त होश में नहीं हैं। बच्चों के सामने ऐसा मत कीजिए। तुम कौन हो मुझे सिखाने वाली? हैं? मुझे सिखाती है? मुझे क्या करना है, कैसे करना है? मेरी मर्जी, समझी क्या? मेरी मर्जी, मुझे सिखाती है। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं आप?
हाथ मत लगाना मुझे, मैंने कहा दूर हटो, मैंने कहा दूर हटो। पापा पापा अंदर आइए, प्लीज अंदर आइए। मुझसे जबान चलाती है तू, मुझसे जबान चलाती है, मुझे सिखाती है, तभी देख अभी देख तू मैं क्या करता हूँ। मैं पीऊंगा और पीऊंगा मैं, तू देख अभी। सब कुछ तोड़ दूंगा मैं, तोड़ दूंगा सब, ये बर्बाद करके रख दूंगा मैं ये सब। Thank you.